नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर, और अभी बात कर रहे हैं दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन की। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को बिना कोई एल्गोरिथम, बिना कोई थ्योरम यूज किए डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन में। बट अब इस वीडियो में उससे भी मुश्किल काम करेंगे, और जी हाँ, अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्टली फाइनाइट ऑटोमेटा में विदाउट यूजिंग एन एल्गोरिथम। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरुआत करेंगे। अगेन, जैसे पहले हमने ट्राई किया था, तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन ट्राई किए थे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई थी, तो ये भी कुछ आसान क्वेश्चन से ट्राई करेंगे। तो पहले जो प्रिमिटिव एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं, जी हाँ, फाई, तो फाई भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है जिसको यूज किया जा सकता है। तो देखिए, अगर फाई एक एक्सप्रेशन है, हम पहले बात कर चुके हैं, तो फाई रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें कोई भी, आप कह सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं है, इवन एप्सिलॉन यानी कि इनिशियल स्टेट भी फाइनल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि बहुत ही आसान मशीन हमारा बन सकता है। तो मान सकते हैं एक ही स्टेट हमारे पास है और वो फाइनल स्टेट नहीं है। तो अब देखिएगा, ये मशीन कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा? जो दोस्तों, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब क्या है, इसका लैंग्वेज डायरेक्टली आप बोल सकते हैं फाई। अगली बात करते हैं एप्सिलॉन या फिर नल। तो नाउ इट इज अ सिंगल स्ट्रिंग, क्या इसके लिए हमको स्टेट चेंज करने की जरूरत है? नहीं। ये भी डायरेक्ट ट्रांसलेशन, मान लीजिए एक ही स्टेट हमारे पास है और इसको मैं क्या बना देता हूँ, फाइनल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कोई ट्रांजिशन नहीं लिख रहा, जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हमें फिलहाल जो हमारा कंसिडरेशन है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्जन करने का। वो DFA हो, NFA, एप्सिलॉन NFA, से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक मॉडल को हम दूसरे मॉडल में दोस्तों कन्वर्ट करना जानते हैं। आगे बात करते हैं सिंगल ए। तो अब सिंगल ए काउंट करने के लिए देखिए दोस्तों, लूप आप नहीं लगा सकते, वरना कितना भी नंबर ऑफ ए आएगा। तो DFA डिजाइनिंग में हमने बहुत अच्छे से बात सीखी है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ भी दोस्तों याद करता है स्टेट चेंज करके। तो मान लीजिए कि क्यू नॉट से हम क्यू वन पे चले गए, दैट विल बी ऑल। तो नाउ यू सी, अब ये मशीन क्या करेगा, नाउ इट इज एक्सेप्टिंग नथिंग बट सिंगल ए। सिंगल ए एक्सेप्ट कर रहा है A प्लस बी। तो दोस्तों A प्लस बी, आप हमें याद है कि ये चॉइस है कि कॉन्कैटिनेशन, इट्स अ चॉइस, और चॉइस को हम लिखते हैं पैरेलल लाइन से। अगेन क्लैरिटी रखने के लिए मैं पैरेलल लाइन अलग अलग बना देता हूँ। तो मान लेते हैं दो स्टेट हमारे पास है, क्यू नॉट और क्यू वन। अगेन चाहे आया A चाहे आया B, दोनों ही केस में हम पहुंच जाएंगे क्यू वन पर। तो ये बिल्कुल इसी एक्सप्रेशन को दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्कैटिनेशन की बात करेंगे तो हमें याद है कॉन्कैटिनेशन मशीन के केस में दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सीरीज, एक के बाद दूसरा। तो मान लीजिए A के बाद आया B और B पर आप पहुंच गए क्यू टू, विच इज फाइनल स्टेट। थोड़ा आसान लॉजिक है। अगली बात करूंगा A स्टार। तो अगेन आप मुझे बताइए A स्टार में सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ऑफ कोर्स नल इज ऑल्सो मेंबर, बिकॉज पावर जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा इनिशियल स्टेट है दोस्तों, वो फाइनल स्टेट भी होगा, और यहाँ पर दोस्तों हम लूप कर सकते हैं A के लिए। तो इस सब के सब बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। अब धीरे धीरे कैसे इंटरेस्टिंग ट्राई करते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास है A प्लस। अभी A प्लस मतलब सिंगल A एक्सेप्टेबल है, 2A, 3A, 4A, बट नल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इनिशियल को तो मैं फाइनल नहीं कर सकता। तो मान लीजिए Q नॉट, इसको इधर रब कर देता हूँ। तो इनिशियल को तो हम फाइनल नहीं कर सकते। तो मान लीजिए Q नॉट तो हमारा होगा नॉन फाइनल, बट जैसे ही A आएगा ट्रांजिशन लेके दोस्तों हम जा सकते हैं क्यू वन पर, और ये अभी हमारी होगी फाइनल स्टेट। हाँ, अब कितने भी A आए दोस्तों, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एकदम वैलिड लॉजिक है। अगला A प्लस बी होल स्टार। तो इससे तो बहुत अच्छे से हम परिचित हैं, A प्लस बी होल स्टार इज नथिंग बट यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एक ही स्टेट है वही फाइनल है, और वहाँ पे हम लूप कर सकते हैं A B के लिए। तो जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो सारी की सारी एक्सेप्टेबल है। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है दोनों सेम बातें हैं, बट एक्सप्रेशंस पे हम बहुत काम कर चुके, तो आप समझ रहे हैं पहले साइकिल है A का और फिर साइकिल है B का। तो देखिए, ऑर्डर याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर A के बाद B, बट B के बाद A भी दोस्तों आ सकता है, बट यहाँ पर A के बाद B आ सकता है, बट अगर एक बार B आया तो उसके बाद A नहीं आ सकता। अब यही एडवांटेज दोस्तों एप्सिलॉन NFA का, जब मैंने वहां पर आपसे डिस्कशन किया था NFA एप्सिलॉन NFA में, कि एप्सिलॉन NFA में सिस्टम को सेपरेट करना आसान होता है, और रेगुलर एक्सप्रेशन से डायरेक्ट कन्वर्ट करना एप्सिलॉन NFA में बहुत आसान है कन्वर्ट टू NFA। तो मैं अब देखिए क्या करता हूं, इनिशियल स्टेट हमारे पास है, और क्योंकि B स्टार भी नल हो सकता है, A स्टार नल हो सकता है, नल इज एक्सेप्टेबल, तो लेट मी से Q नॉट इज आल्सो फाइनल, और पहले लूप किया A का।
तो क्यू नॉट पे देखिए दोस्तों हमने ए के लिए लूप किया, और फिर अब सवाल है कि बी के लिए चेंज करें कि नहीं करें। आप बी के लिए भी कर सकते हैं, बट मुझे हमेशा आसान लगता है यू टेक ए ट्रांजिशन और नल और आप पहुंचे क्यू वन पे एंड लेट्स लूप ऑन बी। तो ऑर्डर याद रखने के लिए जब भी आपको स्टेट चेंज करना है तो दोस्तों सिंबल खाने की, सिंबल स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं एप्सिलॉन के लिए। तो देखिए क्यू नॉट पे ए के लिए लूप लिया हमने, जैसे एप्सिलॉन हमको मिला चेंज किया और हम पहुंचे क्यू वन पर, वहां पर हमने बी के लिए लूप किया। आसान चीज है। अब यहाँ देखिएगा, अगर आपको याद हो, अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। एक चीज़ जो आसान वो आपको सिखाऊंगा वो क्या, जब भी हम कन्वर्ट करेंगे ना रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो दोस्तों कभी भी सिंगल स्टेप में सारा सॉल्व करने की कतई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें। अब देखिए लिखा है ए बी का होल स्टार, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ए बी का होल स्टार कैसे सॉल्व करते, बट मुझे पता है अगर किसी लॉजिक के ऊपर स्टार लगा हो तो दोस्तों उसका क्या बनेगा, साइकिल बनेगा। तो चलिए साइकिल बना देता हूँ मैं, और क्यू नॉट को इनिशियल को मानता हूँ फाइनल, और साइकिल मैंने बना दिया ए बी का, है ना, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट इज ए स्टार, ए स्टार इज नथिंग बट एक ही स्टेट पे लूप करते हैं। तो वही काम मैंने ए बी के साथ किया। बट अब देखिए यहां पर ए बी लिखा, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिशन पे दो सिंबल नहीं हो सकते। अब आप ही मुझे बता सकते हैं ये कॉन्कैटिनेशन एक सीरीज है, कॉन्कैटिनेशन है, तो कॉन्कैटिनेशन को ब्रेक करने के लिए यहां पर मैं एक स्टेट दोस्तों लगा देता हूं। नाउ लेट मी से दिस इज एंड दिस इज बी। ध्यान दीजिएगा मैंने डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं किया, ऑल्दो ये आप कर सकते थे, बहुत आसान लॉजिक है, बट आगे आगे जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे वहां पे टेक्निक आपको बहुत फायदा देगी, है ना। तो पहले मैंने ए बी का लूप किया बिकॉज टोटल पे स्टार था, फिर मैंने ए और बी के बीच में एक स्टेट और लगा दिया, एंड नाउ लेट मी नेम इट क्यू वन। और अभी देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ए बी का साइकिल हमारे पास है। आगे बढ़ेंगे, नाउ इट सेज व्हाट, ए स्टार फॉलोड बाय बी, बहुत आसान लॉजिक है मेरे ख्याल से, देखते ही आप बना सकते हैं। ए स्टार यानी कि ए पे किया है लूप और बी पे करेगा स्टेट चेंज और पहुंचेगा क्यू वन पे, एंड दैट शुड बी फाइनल। दोस्तों मुझे बताएंगे आप क्या यहाँ पर क्यू नॉट भी फाइनल स्टेट होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर इसको आप मिनिमाइज भी करेंगे ना तो कम से कम सिंगल बी तो जनरेट होगा ही होगा, जबकि अगर आप इसको फाइनल करेंगे तो नल भी एक्सेप्टेबल है। तो इस बार क्यू नॉट जो है फाइनल स्टेट नहीं होगा। इसका रिवर्स लॉजिक क्या, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है इसमें, तो यहां देख लेते हैं। क्यू नॉट पे अगर आया ए तो मान लीजिए हम गए क्यू वन के पास, एंड दैट इज फाइनल स्टेट, और यहां पे हम लूप लगा सकते हैं बी का। बहुत आसान है, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है। और आखिरी केस में ए स्टार बी स्टार दोनों का लूप किया है, बहुत आसान लॉजिक है। तो पहले ए पे हमने लूप किया, फिर जैसे ही बी आया स्टेट चेंज किया दोस्तों हम पहुंचे क्यू वन पर, और यहाँ पे हमने सी के लिए लूप किया। तो देखिए बहुत आसान लॉजिक है, तो दैट इज नथिंग बट ए स्टार, देन बी पे स्टेट चेंज किया, एंड देन इट इज व्हाट, सी स्टार। तो दोस्तों कुछ आसान एक्सप्रेशंस ही थे इस वीडियो के अंदर, और हमने ट्राई किए, और मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आपको लॉजिक समझ आए होंगे। बट ये काम थोड़ा आसान लग रहा है, इसके दो रीज़न है। पहले तो जेन्युइनली क्वेश्चन आसानी थे, इनके बड़े भाई अगले वीडियो में आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। दूसरा दोस्तों ये बात हमें महसूस नहीं हो रही, बट हम किसी भी मशीन को एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो दोनों के बीच में तुलना करना, कंपेरिजन करना, और इस बात को समझना कि उस लॉजिक को कैसे ट्रांसलेट किया गया होगा, ये बात ऑलरेडी हमें समझ आ रही है। तो खैर मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह विनती करूंगा आपसे कि अगेन प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, प्लीज राइट द कमेंट, जो भी आपके फीडबैक्स हैं कमेंट्स हैं, सब्सक्राइब फॉर द चैनल, एंड प्लीज लेट एवरीबडी नो दैट यू नो बहुत सारे वीडियोज हैं और नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके क्लासमेट्स, आपके कॉलीग्स, प्लीज सबको इन वीडियोज के बारे में बताएं, एंड प्लीज लेट दिस कम्युनिटी ग्रो, एंड नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट वीडियो वेयर वी सी कि और कॉम्प्लेक्स मशीन्स को कैसे, दोस्तों एक्सप्रेशन को माफ कीजिएगा, हम कैसे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में। धन्यवाद।